फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स लर्न द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजेशी काबरा। अपना ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इस यूनिट का 7th लेक्चर शुरू है, जिसका नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए शुरू करेंगे। तो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बाय सर्टन सब्सटेंस से। कोई अगर सर्टन सब्सटेंस से कोई इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कब इमिशन होगा? जब वो सब्सटेंस एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को एक्सपोज करेगा। अब क्या होता है, सपोज वी हैव एन मेटल सरफेस, आपके पास एक मेटल सरफेस है, ओके। यहाँ पर अगर उस मेटल सरफेस पे अपन ने किसी रेडिएशन को एक्सपोज किया, किसी रेडिएशन को बम्बार्ड किया, सपोज वी हैव कंसिडर अ लाइट, और लाइट को मैंने इस मेटल सरफेस के ऊपर डाला, तो ये क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ एनर्जी को गेन करेंगे, और वो एनर्जी फोटॉन्स के रूप में, इलेक्ट्रॉन नहीं, वो एनर्जी फोटॉन्स के रूप में बाहर पड़ेगी। तो वो जो फोटॉन्स बाहर गिर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस को, ये फिनोमेना को आप क्या बोलोगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट यहाँ पर टू चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ये रेडिएशन बम्बार्ड करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटॉन्स के रूप में बाहर एनर्जी को इमिट करेंगे, ओके। और दूसरी बात ये है कि इंस्टेंट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी अगर आपने डाली तो इंस्टेंटली इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत देर तक उस फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा और बाद में इमिशन करेगा, ऐसा नहीं होगा, इंस्टेंट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसने बताई? तो ये सारी चीज़ें बताई जर्मन साइंटिस्ट हर्ट्ज ने, जिसका 1887 में, जिसने ये बता दिया कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सामने आने के बाद में ये भी बात सच हुई कि जो लाइट है वो, उसने लाइट से कंसिडरेशन किया था, तो जो लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, मीन्स पैकेट्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या आ गया, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, ओके। तो इसी बात को और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, अपन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखी थी, उसको और इसको एक जुड़ा कर उसने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी फोटोइलेक्ट्रिक की जो थ्योरी है उसको 1905 में, 8 साल बाद, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया कि हाउ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। और प्लैंक्स की जो थ्योरी थी, प्लैंक्स ने जो थ्योरी बताई वो मैंने बता दी है एक वीडियो में, उसके वीडियो में जाकर आप देख लीजिए व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो उस थ्योरी के आधार पर ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कैसे एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें अपन ये वीडियो में देखने वाले, ओके। अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हर्ट्ज है उसने क्या बताया, हर्ट्ज ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो कंसिस्ट करते हैं स्मॉल पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी कॉल फोटॉन्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी होगी उसमें कुछ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगी, मतलब एनर्जी जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में होगी, या फिर आप बोल सकते हो बंडल ऑफ एनर्जीज, मतलब एक ग्रुप के फॉर्म में एनर्जीज होनी चाहिए, जिसको आप बोलोगे फोटॉन्स, उसे क्या बोलोगे आप, फोटॉन्स। अब जो ये फोटॉन्स है, दिस फोटोन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द स्पेस इन अ डिस्क्रीट मैनर कॉल्ड एनर्जी ई इक्वल्स टू एच म्यू। अब ये जो फोटॉन्स है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही उस पर कोई फ्रिक्वेंसी की लाइट इमिट होगी, रेडिएशन इमिट होगी, तो वो किसी ना किसी एनर्जी को फोटॉन्स के फॉर्म में बाहर फेंकेगा। अब जो फोटॉन्स जो बाहर इमिट हो रहे हैं उसमें क्या बोल दिया, स्मॉल पैकेट्स में रेडिएशन इमिट हो रही है, या फिर आप बंडल ऑफ एनर्जी बोल रहे हो, तो उस जो पैकेट की एनर्जी है वो होनी चाहिए E इक्वल्स टू एच म्यू के बराबर, वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड म्यू इज द फ्रिक्वेंसी, ओके। अब जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है कैन बी व्यूड एज द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताता है दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन। अब दो पार्टिकल्स कौन सी हो गए, जिसमें हो गया इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो आपको ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है, जबकि इंटरेक्शन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल्स जो है
क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जो वेव और पार्टिकल का इंटरेक्शन है वो यहाँ पर नहीं बताता। इंस्टेड ऑफ मतलब जो क्लासिकल थ्योरी में अपन इंटरेक्शन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल देख रहे थे उसके जगह पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन बता रहा है। When a radiation incident on a metal surface, अगर किसी मेटल सर्फेस पे जब रेडिएशन इंसिडेंट आप करोगे तो फोटॉन्स फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विदाउट एनी टाइम लैग। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, मतलब कोई भी टाइम वो नहीं लेगा। मीन्स वॉट, मैंने जैसे आपने डेफिनेशन में ही बताया कि ये जो सारी प्रोसेस है वो इंस्टेंट होने वाली है, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही रेडिएशन उस मेटल सर्फेस पे इमिट होंगी वैसे ही फोटॉन्स जो है वो रेडिएट करेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे बाहर की तरफ विदाउट अ टाइम लैग, मतलब कोई भी टाइम न लेते हुए। ओके, वेन द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सर्फेस, जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुआ जो फोटॉन्स है वो कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करेगा विदाउट एनी टाइम लैग। मतलब जैसे ही इंसिडेंट हो रहा है विदाउट एनी टाइम लैग वो जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको जाकर कोलाइड करेगा, उसी से जाकर बाहर फोटॉन्स निकलेंगे। अब अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि एक्चुअल में कैसे उसने परफॉर्म किया था। हर्ट्ज ने दो पैरामीटर्स को ध्यान में रखा था। फर्स्ट पैरामीटर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड सेकंड पैरामीटर इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। तो दोनों भी इसको उसने हर्ट्ज ने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया और उसने क्या देखा। अब फर्स्टली अपन देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी के थ्रू उसने क्या देखा और बाद में देखेंगे अपन इंटेंसिटी के थ्रू उसने क्या देखा। अब फ्रिक्वेंसी मीन्स व्हाट, कि इट रिलेट टू द कलर ऑफ लाइट। सपोज टू बी अब मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है तो ये जो स्क्रीन है वो कौन सा कलर इमिट कर रहा है। यहाँ पर आपको येलो कलर दिख रहा है, ये रेडिश कलर दिख रहा है। ओके, तो ये जो सारे कलर्स दिख रहे हैं, ये जो पी है वो पर्पल कलर दिख रहा है, तो ये जो सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं वो ड्यू टू द फ्रिक्वेंसी। अगर मैंने इस पिक्चर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो आपको क्या करेंगे, उसमें जो कलर है उसको डिफरेंट दिखेगा। आप इंस्टा पे कोई पोस्ट डालते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आते हैं, आपको इफेक्ट्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका जो पिक है उसमें आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके आप उसको लाइट डार्क या फिर ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड में जो भी आप कलर इफेक्ट देते हो वो सब बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी की उसने स्टडी की, मीन्स वॉट, उसने क्या किया, लाइट का जो दिखने का ये है कलर है, लाइट के कलर की उसने स्टडी की। ओके, अब लाइट के कलर की उसने स्टडी कैसे की, हर्ट्ज ने क्या किया कि उसने एक मेटल सरफेस लिया जो कि एक हॉलो स्फीयर में रखा, उसने एक वैक्यूम चैम्बर लिया और उसमें उसने क्या कर दिया, ऐसे मेटल की सरफेस लगा दी, दो मेटल की सरफेस लगा दी। और ये जो मेटल की सरफेस है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा वैक्यूम है, कोई वायर नहीं है, कोई भी कनेक्शन उसमें नहीं है। और इन दोनों मेटल के सरफेस को क्या कर दिया, एक बैटरी से अटैच कर दिया। एक बैटरी से अटैच करने के बाद उसने यहाँ पर एक एमीटर भी लगा दिया। अब उसने क्या किया कि एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लो, तो मैंने यहाँ पर ले ली टॉर्च। अब ये टॉर्च से उसने क्या किया, लाइट जो है वो इंसिडेंट की ये प्लेट पर, ये जो मेटलिक प्लेट है उस पर उसने क्या किया, ये लाइट को इंसिडेंट किया। और यहाँ पर एक डिटेक्टर है। ओके, अब ये जो लाइट की मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो ये यहाँ पर एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला, कुछ भी नहीं दिखने वाला। व्हेन फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी लो है, तो आपको इस मेटल सरफेस से कोई भी इमिशन नहीं दिखने वाला, कोई भी प्रोसेस आपको नहीं दिख रही है। बट एज अ फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर आते हुए जब लाइट की एक फ्रिक्वेंसी एक एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आपको क्या दिखने लग जाएगा कि वो जो मेटल सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर छोड़ने लग रहा है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर छोड़ना शुरू कर दिया उसने। ओके, अब क्या होगा, और अगर फ्रिक्वेंसी आपने बढ़ा दी और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज़्यादा अमाउंट में निकलना, पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ओके, एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, बट एज जैसे अपन ने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज की तो वो जो अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो वो कंटिन्यूसली निकलने लगे। मतलब पहले क्या हो रहा था, एक एक ऐसे आराम आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, बट क्या हुआ, जैसे ही अपन ने फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो कंटिन्यूसली शुरू हो गए। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी
के ऊपर उसने ये देखा, तो उसने और एक बात ऑब्जर्व की, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी भी बढ़ गई। एज फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली आने लग गए, और कंटिन्यूसली आने लग गए तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। पहले क्या हो रहा था, स्लोली स्लोली एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, बट एज अपन ने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दी, जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली आने लग गए और उसकी जो वेलोसिटी है वो पहले के मामले में थोड़ी बढ़ गई। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अब ले लूँ, बारिश का मौसम शुरू हो गया, ओके, अगर बूंद 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 बारिश आई तो आप क्या करोगे, आप एक सड़क से जा रहे हो, एक रास्ते से जा रहे हो, तो अगर सपोज बूंद बूंद बारिश आई तो क्या करोगे, आप नॉर्मल बारिश है इसलिए आप क्या करोगे, नॉर्मल जाओगे, ओके, एकदम स्लोली 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 रास्ते से जाओगे। जैसे ही अपन ने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ, जैसे ही फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी मतलब जैसे ही बारिश बढ़ गई, बूंदों का जो बूंद है पहले छोटी छोटी गिर रही थी, फिर जो बूंद है वो बड़ी बड़ी होने लग गई, तो आप क्या करोगे, थोड़ा फास्ट और कंटिन्यूसली जाओगे, मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएंगी। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर आप करो कि जैसे ही लाइट है वो पहले कम फ्रिक्वेंसी की आ रही थी, तो मेटल सरफेस क्या कर रहा था, एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी उसने थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही अपन ने फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया तो कंटिन्यूस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया, और उसके साथ ही उसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो गई, ओके। तो अपन ने यहाँ पर ये देखा कि फ्रिक्वेंसी जब इंक्रीज होंगी तब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अब ये तो था अबाउट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट पैरामीटर। अब जो अपना है वो है सेकंड पैरामीटर, जिसको आप बोलेंगे इंटेंसिटी। तो हर्ट्ज ने क्या किया, एक पर्टिकुलर, अब अपन क्या बोल रहे थे कि उसने एक पहले फ्रीक्वेंसी ली, तो उसने पहले लो फ्रीक्वेंसी ली, फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, तो एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको इमिशन मिला, और फिर बाद में उसने और बढ़ाया तो उसको कंटिन्यूअस इमिशन मिला। बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट की स्टडी करने से मतलब आप बताते हो रिलेटेड टू द ब्राइटनेस। अब देखिए ये मेरा लैपटॉप है, ओके, अब मैं इसकी क्या कर रही हूँ, लाइट, ये ब्राइटनेस कम हो गई, जैसे मैंने ब्राइटनेस क्या कर दी, कम कर दी, और अब क्या हो गया, ब्राइटनेस को मैंने हाई कर दिया, मतलब ब्राइटनेस अब क्या हो रही, बढ़ रही है। तो दिस इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ओके। हर्ट्ज ने क्या किया कि पहले ही एक ऐसी अमाउंट की फ्रिक्वेंसी ले ली जो लाइट इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, ओके, उसने ये नहीं किया कि पहले कम फ्रिक्वेंसी की लाइट ली, नहीं, उसने क्या किया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो ले ली जिससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होने वाला है, ओके, उसने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को वैसे ही रखा, फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं किया, ओनली उसने क्या किया, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी। अब इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद आपको क्या मिला कि जैसे ही उसने इंटेंसिटी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले एक दो निकल रहे थे, तो उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की अमाउंट है, मतलब पहले उसी फ्रिक्वेंसी पर दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद में उसी फ्रिक्वेंसी पर चार इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और उसने इंटेंसिटी बढ़ाई तो सात इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। मीन्स वॉट, फ्रिक्वेंसी तो उतनी ही थी बट जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन था वो बढ़ चुका था, लेकिन अपन ने जब फ्रिक्वेंसी के मामले में देखा था तो फ्रिक्वेंसी के मामले में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उतने ही निकल रहे थे एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, बट अपन ने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअस मैनर में स्टार्ट हुए, बट यहाँ पर अपन ने फ्रिक्वेंसी तो नहीं बढ़ाई, ओनली इंटेंसिटी बढ़ाई, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकलना ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो गए, समझा आपको अब क्या हुआ यहाँ पर। और जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी को कोई चेंज नहीं किया और इंटेंसिटी को कम कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम निकल रहे। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में अपन ने देखा, तो अपन ने क्या देखा, शॉर्टली समरी देख लेते हैं कि जब अपन फ्रीक्वेंसी एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, ओके। फिर अगर और अपन ने इंटेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको मिलना स्टार्ट हो गया और वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ओके।
अब यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी को फर्क गिरता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। बट इन इन द केस ऑफ इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी की केस देखेंगे, तो इंटेंसिटी में क्या हुआ कि आपने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एक फ्रिक्वेंसी को ले लिया और इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। अब इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो फोटो करंट जो है वो इंक्रीज हो गया। अब फोटो करंट क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि फोटॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं उसकी अमाउंट बढ़ गई। अब अमाउंट ऑफ फोटॉन बढ़ गया तो ऑब्वियसली है कि फोटो करंट इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पहले जितनी थी उतनी ही अभी रहेगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ दैट हर्ट्ज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ऑफ लाइट अपन ने उस मेटल सरफेस पे गिरा रही है, ओके, तो कोई भी इमिशन नहीं हो रहा है। तो अगर अपन ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वो मेटल सरफेस ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ना स्टार्ट किया, मतलब एट दैट इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हो गए, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको आप डिनोट करोगे म्यू नॉट से, जिसके तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और डेफिनेशन देखने वाले अपन। तो वेन अ बीम ऑफ ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सर्फेस, ईच फोटोन ट्रांसमिटेड इट एनर्जी एच म्यू टू द इलेक्ट्रॉन, इन दिस प्रोसेस द फोटोन इज एंटायरली एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कि सपोज वी हैव अ मेटल सर्फेस, एक मेरे पास मेटल सर्फेस है, ओके, दिस इज अ मेटल सर्फेस। अब इस मेटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब एक अमाउंट ऑफ रेडिएशन लाइट अपन उस पर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसके जो पूरी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बट जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, अब मैंने आपको बोला ना एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट करेगा, तो क्यों पहले नहीं होता, जब कम फ्रिक्वेंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ताकत है, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन करने की ताकत उसमें रहती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, उस फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। बट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो वो जो इलेक्ट्रॉन की है वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो एनर्जी को लिब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो एट अ पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कब तक वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब तक उस इलेक्ट्रॉन में से बाहर इमिशन होना स्टार्ट ना कर दे, और बाहर इमिशन कब होगा, एट अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एट अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं आती तब तक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स व्हाट, कि जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब अपने को क्या होना चाहिए कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे कम अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रही तो सारा की सारा जो भी रेडिएशन है वो क्या होने वाला है, एब्जॉर्ब होने वाला है। ओके, अब ड्यूरिंग एन इन इलास्टिक कोलिजन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी एच म्यू ऑफ ए इंसिडेंट फोटोन विच इज यूज इन टू वेज। जब ये इन इलास्टिक कोलिजन होता है तब ये जो एब्जॉर्ब हुए वाली एनर्जी है वो टू वेज में यूज किए जाती है। अब ये जो एब्जॉर्ब हो गई ना, मैंने क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अब ये एब्जॉर्ब हुए वाली एनर्जी कुछ ना कुछ तो काम करेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, टू टाइप से यूज की जा सकती है। तो फर्स्ट टाइप है कि अ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज टू डीएचिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ द मैटर। अब ये जो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का लिब्रेशन स्टार्ट होगा, तो लिब्रेशन स्टार्ट होने के पहले ये जो पार्ट ऑफ एनर्जी है तो उसमें जो एनर्जी है वो क्या करेगी, वो मेटल्स को, मतलब एक मेटल का एटम है, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर ऐसे चिपका हुआ होता है, तो ये जब अपने को, अपन ऐसे ही उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से जुदा नहीं कर सकते, आपके पास कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, भर लेगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ ताकत आ जाएगी लड़ने की, और वो क्या करेगा, उस एटम से अपनी लड़ाई करके उस एटम से डीएच हो जाएगा। मींस व्हाट,
डिफरेंट हो जाएगा, अलग निकल जाएगा, और दैट मिनिमम एनर्जी सप्लाइज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक वेव फंक्शन फाई ऑफ द मेटल। तो वो जो मिनिमम एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मिल रही है, मतलब वो जो मिनिमम एनर्जी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिल रही है, किसके लिए? उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के एटम से डीएच होने के लिए, सेपरेट होने के लिए। तो वो जो एनर्जी है उसको आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक वेव फंक्शन ऑफ मेटल, जो कि आप डिनोटर करोगे फाइ से। ओके, अब क्या है, द रिमेनिंग एनर्जी एक्ट एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब फर्स्टली तो वो हो गया कि क्या, कि जब उसने मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो उस एटम से उसको अलग होने के लिए उसने पहले तो एनर्जी यूज़ कर ली। अब फर्स्ट वे तो हो गया ये कि उसने कैसा यूज़ किया। अब सेकंड वे में क्या है, उसने सेकंड वे में जो उसके पास बची हुई एनर्जी है उसने क्या किया, द रिमेनिंग एनर्जी एक्ट एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्ट करेंगी। इफ देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी बाय इंटरनल कोलिजन, अगर सपोज टू बी उसके पास वो बचा के रखेगा, अगर सपोज टू बी दो इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होगा, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो एकमेक में कोलिजन होगा, कोलिजन अगर हुआ तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी होंगी ड्यू टू दैट कोलिजन, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दो रिमेनिंग एनर्जी वो सेव रखेंगी, और जब भी लॉस होगा एनर्जी का तब वो यूज होंगी, जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्म में। ओके, जहाँ पर m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगी, देन द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोलिजन होगा तो लॉस होगा एनर्जी का, और जब वो लॉस होगा तो वो जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बचे वाली एनर्जी है वो यूज़ करते आएंगी आपको। ओके, जिसका अपन फॉर्मूला बोल सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर इतनी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलने वाली है, रिमेनिंग एनर्जी मिलने वाली है। ओके, तो जहाँ पर m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि जितनी एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ तो यहाँ पर नहीं जुड़ने वाला, जितनी आपको फोटॉन्स में एनर्जी मिलेंगी उतनी आपको मतलब बाहर निकलने वाली है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, जो भी फोटोन के अंदर की एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। अब क्या होगी, मतलब मैंने क्या बोला, जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है तो उसने फर्स्टली यूज़ कर ली लिबरेट करने के लिए, तो लिबरेट करने के लिए जो एनर्जी यूज़ की उसको अपन ने डिनोट किया फाय से, और बाद में मैंने क्या बोला कि वो जो बचे वाली एनर्जी है वो एज ए काइनेटिक एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो बाद में, कब, जब इंटरनल कोलिजन होगा, मतलब इंटरनल उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो गई तो आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी आप, जितनी एनर्जी आपको उस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है वो वर्क फंक्शन में निकल रही है और काइनेटिक एनर्जी में निकल रही है, तो जितनी एनर्जी मिली उतना ही इक्वल्स टू आपको ये मिलना चाहिए। तो ये आपको कहाँ से आया, समझा, एच म्यू के फॉर्म में एनर्जी आपको मिल रही है, तो एच म्यू इज इक्वल्स टू फाइव, फाइव मीन्स जो आपका वो लिबरेट होने के लिए एनर्जी लगी वो, और हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आपने क्या कर दिया, माइनस प्लस है, इधर जाकर क्या हो गया माइनस, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी मिली, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइव। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइ, जहाँ पर फाइ इज द वर्क फंक्शन, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज वॉट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये जो आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मिली वो होगी रिड्यूस टू अ सर्टन वैल्यू, अगर ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो रिड्यूस होने वाली है एट अ सर्टन वैल्यू म्यू से म्यू नॉट तक, मतलब फ्रीक्वेंसी टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक, तो म्यू का क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, मतलब जो फाई है वो क्या है, मतलब फाई के लिए अपन ले रहे हैं एच म्यू नॉट। ओके, तो फिर एच म्यू क्या था, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो गया, फिर एच ले लिया अपन ने कॉमन, म्यू माइनस म्यू नॉट, समझाइए कहाँ से आया।
तो जो फाई है उसको अपन ने लिख लिया फाई इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट. ओके, इफ वी इक्वल्स टू म्यू नॉट, अगर वी इक्वल्स टू म्यू नॉट ले लिया तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाएगा, कि म्यू अगर म्यू नॉट हो गया तो म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट जीरो, तो कोई भी मल्टीप्लीकेशन कर लो क्या हो जाएगा, जीरो. तो आपको क्या जो इक्वेशन वन मिलेगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल्स टू अगर आपको मिल रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएंगी. मीन्स आपको इक्वेशन नंबर जो वन है, आइंस्टाइन इक्वेशन जो है वो आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू नॉट माइनस फाइव, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो. मतलब क्या कि वहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के वजह से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो होगी वर्क फंक्शन के. ऑब्वियस है, सेम ही बता रहे हैं, मतलब मैंने वही बोला आपको कि वर्क फंक्शन क्या है, कि जो एनर्जी लिबरेट हो रही है एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो एच म्यू नॉट के टाइम पे एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी इमिट हो रही है वो होगी एच म्यू नॉट. तो फाई मीन्स वही हो गया. ओके, तो दिस इज वर्क फंक्शन. और अगर सपोज फाई की वैल्यू अपन ने इक्वेशन वन में पुट कर दी, फाई की वैल्यू जो अपने को मिली एच म्यू नॉट वो अगर अपन ने इक्वेशन वन में पुट कर दी तो आपको मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट. अब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच मीन्स वी माइनस म्यू नॉट, तो ये जो आपको इक्वेशन मिला इसको आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आप इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जहाँ पर फाई की वैल्यू जो है वो आपको मिली एच म्यू नॉट. ओके, आपको समझा ये सारा. तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा.